हाँ नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे अपने सीट डिस्कशन, ठीक है ना। कोशिश करेंगे 60-70 क्वेश्चन जितने हो जाएं उसको एक एक क्वेश्चन ग्रुप में लेके बात करेंगे। जीओसी की, हाँ स्टेज वन की बात कर रहे हैं, स्टेज वन, ठीक है, स्टेज वन। पहला क्वेश्चन है विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, पहला क्वेश्चन है विच इज, हाँ कौन सा नॉन एरोमेटिक है, विच इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी दोनों की बोलते जा रहे हैं, अपने ध्यान से, क्वेश्चन नंबर वही है सब बात। विच इज नॉन एरोमेटिक, स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है NH, पायरोल, ये सबके स्ट्रक्चर पहले हम लिख दे रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ट्रोपोलियम कैटायन, थर्ड ऑप्शन है एजुलीन, एजुलीन को देख लो स्ट्रक्चर ये है, ये है एजुलीन। फोर्थ ऑप्शन है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, कई बच्चों को स्ट्रक्चर पता नहीं होगा इसलिए स्ट्रक्चर हमने बना दिया यहां पे, ठीक है। ये है पायरोल, याद है 4N+2=6, N=1 एरोमेटिक है, 4N+2=6, N=1 एरोमेटिक है, 4N+2=10, N=2 एरोमेटिक है। ये देखो बाथ टब वाली स्ट्रक्चर याद आ रही है, बाथ टब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्लेनर। क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर टू, विच इज मैक्सिमम प्लस आर, मैक्सिमम प्लस आर किस में प्लस आर अधिकतम है, तो प्लस आर और प्लस एम का ऑर्डर लिखा था, ओ माइनस एन एच टू, याद है ओ माइनस एन एच टू, ओ एच, ओ सी एस थ्री, एन एच सी ओ सी एस थ्री, ये ऑर्डर याद है, सबसे अधिक किसका होगा, प्लस आर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पिरिडीन में कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, पिरिडीन याद करना, यह है पिरिडीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं, ये तो मैक्सिमम पूछा है। पिरिडीन में संयुग्मी इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, तो 1, 2, 3, 1 डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, शामिल है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पहला सही है, अबंधित इलेक्ट्रॉन का सीख है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, माइनस एम, केवल माइनस एम, माइनस एम जिसके पास लोन पेयर ना हो, फर्स्ट ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ओ आर, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। सेकेंड ऑप्शन सी एच ओ, एन एस टू भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। थर्ड ऑप्शन इसका, फाइव का थर्ड ऑप्शन, एन ओ टू लोन पेयर नहीं है, सी एन लोन पेयर नहीं है, एस ओ थ्री एच लोन पेयर नहीं है, ये तीनों क्या है, माइनस एम, ये तीनों क्या है, माइनस एम। सिक्स नंबर, प्लस एम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो NH2 इसके पास क्या है, लोन पेयर, बताया था ना लोन पेयर है, तो क्या करेगा, प्लस एम या प्लस आर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन याद करना, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि जैसे होगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, याद है। अब उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे दिया, डबल बॉन्ड NH3 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्ट्रक्चर ये सही नहीं है, क्योंकि वैलेंस सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, यही बच्चे बहुत पूछते हैं, क्योंकि उसमें ईच की बात करी गई है ना, देखो एक दो ये हो गए,
दो चार और दो छह, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, सबके स्ट्रक्चर लिख लो, साइक्लोहेक्सीन, फर्स्ट ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन, सेकंड ऑप्शन थर्ड 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, 1,3,5 फोर्थ ऑप्शन ये है, 1,1,2,3,4,5,6। तो किसमें, जिसमें डबल बॉन्ड अधिक होगा, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें डबल बॉन्ड अधिक होगा तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाले में नहीं है डबल, 1,3 दो ही डबल बॉन्ड है, वो भी रेजोनेंस में है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लास में करा होगा, जानते हो कहाँ करा है? IUPAC आइसोमेरिज्म में करा है। याद करना, पाई इलेक्ट्रॉन, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वन नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें इसकी बात करिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है C4H4 पावर -2, तो ये हो गया प्लस और माइनस, ऊपर क्या है -2, अंदर ले गए माइनस माइनस, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा रेजोनेंस के लिए गलत है? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो थर्ड वाला ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी आवश्यकता नहीं है, गलत बात है ना, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किसमें रेजोनेंस? क्वेश्चन नंबर 12, डबल सिंगल डबल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, डबल सिंगल डबल, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, किसमें डबल सिंगल डबल? सिंपल से कॉन्सेप्ट से बात करते हैं अपने, क्या है डबल सिंगल डबल किसमें है, यही पूछ रहा है बस, किसमें कॉन्जुगेशन है। किसमें कॉन्जुगेशन है? तो 13 में देखो, वन थ्री ब्यूटाडाइन देखो, ये सेकंड ऑप्शन है ना, डबल सिंगल डबल। 14, कौन सा एरोमेटिक नहीं है? बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन तो है ना, और ये गौर करना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन नहीं है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनायन, ये तो है बेटा, ये सेकंड ऑप्शन है डाई एनायन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4n+2=10। इसमें मत गौर करना कि सर ये तो आपने बताया कि n इक्वल टू ये बाथ टब स्ट्रक्चर, नहीं बाथ टब जब यहाँ निगेटिव नहीं था, डबल बॉन्ड था तो बाथ टब स्ट्रक्चर था, तो ये भी है। ट्रोपोलियम कैटायन पहले बता चुके हैं, ट्रोपोलियम, फोर्थ ऑप्शन 14 का देखो, फोर्थ ऑप्शन साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, ये क्या है एरोमेटिक है? नहीं है, 4n+2=4 क्या है, 4n=1/2, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक नहीं है पूछा है, कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन, एरोमेटिक नहीं है वो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, यही ऑप्शन है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 14 के, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 सिंपल है, कहीं कोई एटम का ट्रांसफर हुआ है बेटा? नहीं हुआ है, बॉन्ड इधर उधर हुआ है, तो ये क्या हो गया रेजोनेंस। बेंजीन में रेजोनेंस में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? थर्ड ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, 17 देखो इधर, जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो थर्ड वाला, हम देखो दो में, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड तो सही है, थर्ड और फोर्थ दो देखो ऑप्शन, CH2 CH+ CH double bond CH O CH3, ये ऑप्शन क्या है? थर्ड है, और ये ऑप्शन फोर्थ, CH2 double bond CH CH minus CH plus O CH3, दिख रहा है ये दो हैं। अब देखो इसमें चारों में हमने कहा था ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें भी लीस्ट स्टेबल, देखो फर्स्ट और सेकेंड 17 में, फर्स्ट और सेकेंड में
ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए लेस स्टेबल नहीं है। अपने से पूछा है लेस स्टेबल, तो थर्ड इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसमें भी, लेकिन यहां क्या है लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग, तो फोर थर्ड से अधिक स्टेबल है, फोर थर्ड से अधिक स्टेबल है। पूछा है लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल आंसर कौन सा होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल है। अब एरोमेटिक कौन सा है सेकेंड और फोर्थ है, जो एरोमेटिक होगा वही होगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है, दोनों एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, लेकिन अब डीलोकलाइजेशन किस पे देखो, डबल सिंगल प्लस इसमें अधिक है इसलिए अधिक स्टेबल कौन होगा सेकेंड। देख लो भाई 19 इन रेजोनेंस थ्योरी का क्वेश्चन है लिखवा रखा है, सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में कह रहा है इसमें जो स्टार है वो एक प्लेन में हो, तो सुन लो इधर ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में ध्यान सुन लो, जो sp2 है वो तो प्लेन है और sp2 से डायरेक्ट अटैच जो स्टार होगा वो प्लेन में नहीं होगा। हम बात करते हैं देखो CS3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 स्टार और यहाँ H, यहाँ स्टार, तो ये तो sp2 है, तो जो sp2 होगा वो तो प्लेन में होगा ही, जो sp2 है वो तो प्लेन में होगा ही, लेकिन जो sp2 से डायरेक्ट अटैच है वो प्लेन में नहीं होगा, वो प्लेन में होगा जो sp2 से डायरेक्ट अटैच नहीं है स्टार, तो ये तो ये प्लेन में है, ये स्टार प्लेन में है, लेकिन ये डायरेक्ट अटैच है नहीं है डायरेक्ट, तो ये प्लेन में नहीं होगा, नॉट इन प्लेन, ये प्लेन में नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा फोर। फर्स्ट ऑप्शन में देखो डबल बॉन्ड से सीधे स्टार जो है sp2 से हैं, सेकंड में भी सीधे हैं, थर्ड में भी सीधे हैं, फोर्थ में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है स्टेबिलिटी 21 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है ना, इसमें अल्फा एच 2 इसमें अल्फा एच 6 इसमें अल्फा एच 6 याद करो एल्कीन की स्टेबिलिटी बताई गई है, अगर अल्फा एच सेम होगा, अगर अल्फा एच सेम है तो स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस में किसकी अधिक स्टेबल होगी, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो 1 2 3 सबसे अधिक 3 फिर 2 फिर 1 बोलो 3 2 1 क्वेश्चन नंबर 22 बेंजीन रिंग से अटैच है, देखो इधर 22 बेंजीन रिंग से ये अटैच है CH3 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 बेंजीन रिंग से ये अटैच है CH CH3 CH3 बेंजीन रिंग से ये अटैच है, तो कौन होगा जो बेंजीन रिंग से इसमें अल्फा एच अधिक होंगे, तो इसमें कितने अल्फा एच 2 हैं, इसमें कितने अल्फा एच 1 है, इसमें 0 है, तो ये सबसे एक्टिवेट, ये कौन सा क्वेश्चन था 22 एक तरफ से कर रहे हैं भाई क्वेश्चन 23 सिग्मा, हाँ सिग्मा और पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन, क्लास में लिखा है क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई विस्थानी भी है, नो बॉन्ड रेजोनेंस अबंधी अनुनाद, तो आंसर क्या हो गया फोर्थ।
ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी 25, देख लो 25 में कोई डाउट है? पहला बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था, ये सेकंड सेकंड ऑप्शन रेजोनेंस पहले देखोगे, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कार्बन एन की स्टेबिलिटी बता दिया, ठीक है। एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे पहले अगर अल्फा एस सेम है तो ट्रांस, अभी ये वाला यही क्वेश्चन था, 21 वाला है थर्ड ऑप्शन ट्रांसिस, फोर्थ ऑप्शन आप छोड़ देना, SN1 SN2 किस में आएगा, हैलाइड में, फोर्थ ऑप्शन छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें 25 में फोर्थ ऑप्शन छोड़ देना, मतलब 25 क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान सुन लो, क्योंकि इसमें SN1 SN2 है वो कहां पढ़ाया जाएगा, हैलाइड में। ट्वेंटी सिक्स एनिलीन, एक तो ये है एनिलीन, 27 क्या है पायरोल, ये है 26 में सेकंड ऑप्शन क्या है पायरोल, एमाइड कोई भी ले लो एमाइड CONH2, और 27 ट्राई एथिल C2H5 NC2H5 और ये C2H5। हमने कहा था रेजोनेंस बढ़ेगा तो बेसिटी क्या होगी, कम होगी, तो सबसे अधिक क्या है बेसिक, यही वाला है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। एथेन एथीन एसिटीन बेंजीन, तो सब 27 कार्बन कार्बन CH3 CH3, एथेन इसमें बेंजीन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा, बेंजीन इथीन 1.34 और एसिटीन 1.20, हाँ तो इसके बीच में 1.54 और वन इसमें 1.34 1.54 के बीच, तो 1.39 क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस इसमें 1.34 और ये क्या हो गया 1.20, याद भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, बताया गया है एसीटी का ऑर्डर, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल पे ऑर्थो पे पैरा पे CH3, फिनॉल मेटा पे NO2, फिनॉल पैरा पे NO2, 1 2 3 4 सबसे अधिक 4, फिर 3 क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है माइनस आई या माइनस एम, फिर 1 और फिर 2, यहाँ क्या लग रहा है प्लस एच, ठीक है। किस में 29 दे दो, 29 देख लो किस में रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव सब लग रहे हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, यहाँ देखो प्लस एच आ गया, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस आ गया और ये क्या आ गया माइनस आई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, एसीटी ऑर्डर SH का माइनस आई OH से अधिक, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा CH3 SH CH3 OH और लास्ट में CH3 NH2, SH का माइनस आई इफेक्ट OH से अधिक होता है। थर्टी वन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, सबसे पहले देख लो किस में अल्फा एच, सेकंड में अल्फा एच कितने हैं, फर्स्ट में अल्फा एच 3 2 5, सेकंड में अल्फा एच हैं 3 3 6 3 9 3 12, थर्ड में 6, फोर्थ में 9, तो सबसे अधिक हो जाएगा सेकंड, फिर 4,
फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, अल्फा एच केवल देखना है, ठीक है ना। स्टेज कौन चल रहा है, वन, ठीक है ना। स्टेज वन का क्वेश्चन नंबर 32, सही है, ठीक है ना। आंसर देखते रहना है, 30 नंबर में 32, ये कौन सा हो गया अपना 31। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, डायरेक्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लोगे ना, पहले दिन से दूसरे दिन से अल्फा हाइड्रोजन बता रहे हैं अपने, इसमें 32। बेसिसिटी, बेसिसिटी प्लस एम माइनस एम, ठीक है ना। सबसे अधिक प्लस एम, सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड। अरे ध्यान आ रहा है, ये बेसिसिटी प्लस एम के डायरेक्टली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 32 देख लिया, बेसिटी प्लस एम, ओ सी एस थ्री क्या लग रहा है प्लस एम, एन ओ टू क्या लग रहा है माइनस एम, सी एस थ्री प्लस आई, सी एल माइनस है, तो लास्ट में हो जाएगा वो। सेकेंड सबसे अधिक, फिर फर्स्ट, फिर फोर, फिर थर्ड, सही है। 33 देखो, ये है एन एच, ये है पीरिडीन, एन एच, और ये है पायरो। रेजोनेंस किस में हो रहा है, फोर्थ में, तो सबसे लास्ट तो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस है वो जी, इसका sp3, इसका भी sp3, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है माइनस आई, और ये क्या है sp2, पहले ये चीज़ जो लिखी है वो दीजिए। तो सबसे अधिक बेसिक कौन होगा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर क्यों, क्योंकि दोनों में sp3 माइनस आई बेसिटी को क्या करता है, कम करता है, और ये तो क्या है sp2, और लास्ट सबसे कम क्योंकि इसमें क्या आ गया है रेजोनेंस, रेजोनेंस बेसिटी को कम करता है। तो पहले देख लिया sp3 दोनों में है, अब दोनों में क्या आ गया sp3, तो इसमें क्या, इस ये कम हो गया क्योंकि इसमें क्या है माइनस आई, फिर sp2 वाला, फिर ये, तो 1 2 3 4। बोलो क्वेश्चन नंबर 34, हाँ, माइनस आई इफेक्ट, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp2 देख लो डियर, 34 तक हो गया, 35, हाँ, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एसिडिटी, तो एस सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ओ एच, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एच, तो यहाँ sp2 और ये क्या है sp3, 36 कॉन्जुगेट एसिड इज मोर एसिड देन रिस्पेक्टिव कंपाउंड, जैसे H2O है तो इसमें H+ डालोगे तो क्या हो गया H3O+, तो ये अधिक एसिडिक हो गया, और कॉन्जुगेट बेस मोर बेसिक, तो H3O+ फिर H2O और फिर OH-, ऐसे मान लो ये होता NH3 NH4+, तो कौन अधिक एसिडिक होता NH4+ > NH3, ये एसिडिटी का ऑर्डर होता। हर क्वेश्चन को ध्यान, कॉन्जुगेट एसिड 36 नंबर में ध्यान रख लेना, थ्योरी लिख लेना, कॉन्जुगेट एसिड इज मोर एसिडिक देन रिस्पेक्टिव कंपाउंड, conjugate acid is more acidic than respective compound। कहां तक पहुंच गए अपने, 36,
थर्टी, हाँ 37 देख लो, 37 ये है एस सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस, सी एस थ्री सी एच टू माइनस, एच प्लस डाल दिया तो ये क्या हो गया एस सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एच प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, एच प्लस सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है। तो जो अधिक एसिडिक है ये तो हो गया एसीटी का, ये किसका ऑर्डर हो गया एसीटी का, जो अधिक एसिडिक है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा वीक बेस, अधिक एसिडिक का कॉन्जुगेट क्या होगा वीक बेस, तो बेसिटी का जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी, बेसिटी सबसे अधिक ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा वीक बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 38, वही 38 पहले इसको मिटा देते हैं पूरा एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, ये क्वेश्चन नंबर देख लेना, थर्टी एट क्या होगा एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणता के क्या होगा समानुपाती। 39 हाँ याद है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल माइनस एम, और दो में ऑर्थो पैरा दोनों में क्या लग रहा था माइनस एम, दोनों माइनस एम लग रहा था ऑर्थो पैरा में, लेकिन ऑर्थो वाला कम हो गया था क्योंकि उसमें क्या हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एसीटी क्या हो गई थी कम हो गई थी, तो सबसे अधिक क्या हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। हाँ 39 नंबर क्वेश्चन क्लास में हुआ है इसलिए 40 40 इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणा प्रभाव में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्टिंग होती है इसमें, ट्रांसफर नहीं होता है। 41 प्लस आई का ऑर्डर ओ माइनस सी ओ माइनस, याद है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। 41 42 फिनॉल में ऑक्सीजन एटम इंडक्टिव रेजोनेंस में, 42 फिनॉल है ये क्या हो जाएगा रेजोनेंस। 43 सेम थ्योरी का लिखा हो ना। 44 कुछ नहीं लिखा है तो प्लस आई क्या होगा टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। 44 45 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सीधे क्या देख लो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पहले स्ट्रक्चर खोल लेना, स्ट्रक्चर खोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या देखना है आपको अल्फा हाइड्रोजन 46 हम जानबूझ के कर दे रहे हैं क्योंकि 45 अगर किसी को ध्यान नहीं होगा तो सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एस टू सी एस थ्री खोल के इसको पहले लिख दो सी एस थ्री लिख दिया, ये लिख दिया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसी तर्ज पे क्वेश्चन है इसको मिटा दे इधर। बी ए हो गया, ये बी क्या हो गया बेटा देखो इधर देखना सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस थ्री ये हुआ देखो, और यहाँ क्या है सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री, और सी क्या है इसका सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं थ्री, तीन तीन छः तीन नौ दो ग्यारह तीन एक चार तीन सात, तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा बी फिर सी फिर ए बी सी ए, केवल हमें क्या देखना है अल्फा एच, आप खोल के आराम से
हाँ, 2,3-dimethylbutene का स्टेबिलिटी 2-butene से अधिक है, किसकी वजह से? अल्फा एच। अल्फा एच से क्या निष्कर्ष निकलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन 48, इसमें बेसिसिटी, बेसिसिटी किसकी अधिक होगी? एडीन की। 49 याद करो, टर्मिनल एल्काइन, सीमांत एल्काइन इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल एल्काइन। तो 49 में CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल मतलब सीमांत, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो इससे दोनों हमने लिख दिया सीमांत एल्काइन। ठीक है बेटा, कहाँ देखो 49, 40, 50 प्लस आई, सबसे अधिक टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 51 याद आ रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। 51 भी क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है सब लगभग, आप ध्यान दो एक बार को बस। COH याद आ रहा है, COH ऑर्थो नाइट्रो मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन होगा? बी, क्योंकि इसमें क्या लग गया? ऑर्थो इफेक्ट। ए बी सी ए है और ये डी है। ठीक है ना, ए सबसे अधिक हो गया, बी, बी के बाद क्या हो जाएगा? मेटा माइनस एम। अब माइनस एम, ये माइनस आई, देख लेना ऐसे लिखा है, और यहां कुछ नहीं, तो सबसे अधिक बी, बी के बाद सी, सही है ना, फिर डी, फिर ए। ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड को ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगाओ, एसीटी उसकी सबसे अधिक। 52 आवाज भी सुनते रहना क्या कह रहा है अपने, तो उससे अपना मिलान कर लेना कहीं इधर उधर, जिसे डी सी लिख दिया ना, तो बी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक आया, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर इसमें माइनस सी हो गया, इसमें माइनस आई, इसमें ये ए बी सी डी ऐसे लिखा है। इधर आ जाओ, कितने तक हो? 51, 52 देख लो, 52 किसमें स्ट्रॉन्ग बेसिक, कौन सा प्रबलतम क्षार है? सब में देख लो, सब में रेजोनेंस है कहीं कहीं से, सेकेंड ऑप्शन है इसमें भी रेजोनेंस है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भी है, इसमें तो SIP भी लग रहा है CH3, सेकेंड ऑप्शन ये है NHCH3, इसमें रेजोनेंस, थर्ड ऑप्शन में सिंपल है ये, फोर्थ ऑप्शन देखो CH2NH2, कहीं कोई रेजोनेंस है? नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, कौन सा? फोर्थ नंबर। 53 याद करो, तो 53 क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, COH NH3+ याद आ रहा है, जो भी ऐसे है NH3+ जेड है, ये क्या है? वाई है, ये क्या है? एक्स है, सबसे अधिक इसमें क्या है? रेजोनेंस, सबसे अधिक एक्स, फिर वाई, फिर जेड, यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई, बताया क्लास में NH3+ माइनस आई, माइनस आई किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले रेजोनेंस कर दिया, और वाई और जेड में क्या देख लिया? डिस्टेंस। कितने तक हो गया? 53 ये वाला 62 तक मामला कर देते हैं आज। 53, 54 स्ट्रॉन्ग ऐसे याद ही करने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, NH3+ ये। अब आपको देखो एक फ्लो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन अपने, एक फ्लो दे रहे हैं, उसके बाद से अपने ट्राई करो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके देखो, उसके बाद जितना हो पाए, ये जितना हम बता रहे हैं वो कंपलसरी करना ही करना है आपको। 55 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये NO2 लग गया, ऑर्थो माइनस एम हो गया ना। 55 में फिनॉल के ऑर्थो पे क्या लगा है? NO2 माइनस एम, और किसी में नहीं लगा है माइनस एम, अगर
पीके याद आ रहा है 56 फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक तो आपने क्या पूछा है पीके मिनिमम पूछा है तो देखो एसिडिटी हो या के हो इसका क्रम हो जाएगा HCOH फिर CH3COH फिर CH3CH2COH और फिर क्या हो जाएगा CH3CH CH3COOH तो ये तो किसका है स्ट्रॉन्ग के या वीक पीके या स्ट्रॉन्ग के या वीक पीके हमें यही तो पूछा है वीक पीके ठीक है क्वेश्चन नंबर 57 नोट कर लिया ये 57 देखो ध्यान से देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिक है एसिटोनिलाइड एनसीईआरटी का ये आगे तुम्हें पता चल जाता NSCOCH3 पैरा नाइट्रो एनिलीन NS2 पैरा पे क्या आ गया NO2 थर्ड ऑप्शन बेंजिलेमीन CH2NS2 बेंजिलेमीन ये थर्ड ऑप्शन है फोर्थ एनिलीन किसमें रेजोनेंस नहीं है ये तो क्या है MID आ गया तो ये तो वी लेस बेसिक यहां देखो नो रेजोनेंस तो इसकी बेसिटी सबसे अधिक तो ये मोर बेसिक वाला काम होगा 58 भी वही है कौन एनिलीन से अधिक 58 CH2NH2 ये अधिक होगा किससे एनिलीन से क्योंकि यहां रेजोनेंस है और यहां रेजोनेंस नहीं है देख रहे ना इसमें लोन पेयर की बात कर रहे हैं अपने 59 सबसे अधिक CF3COH सी फिर MeOCH2COH ठीक है ना फिर CH3COH फिर CH3CH3CHCOH तो यहां तो क्या है प्लस आई यहां क्या है प्लस आई यहां क्या है स्ट्रॉन्ग माइनस आई और ये भी क्या है माइनस आई OME तो CF3 तो माइनस आई फिर प्लस आई जैसे जैसे बढ़ता गया एसिडिटी क्या हो गई कम होती गई कौन सा अरे 60 CH3 के केस में इस पटना याद है और C2H5 के केस में इस टपना वही वाली कहानी सब कहानी वही है जो अपने करा रखी है तो आंसर क्या हो जाएगा CC2 में 4 डाई इथाइल एमीन ये वाला केस आ गया तो भी क्या हो गया सेकेंडरी 60 थ्योरी याद करा रहे हैं हम इस पटना CH3 केस में और इस टपना CA2S5 केस में 61 हाँ माइनस आई एसीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एफ सी एल बी आर तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा सेकेंड देख रहे हो ना और लास्ट में CH3 तो एफ वाले का अधिक 62 हाँ 62 चाहो तो इसमें छोड़ सकते हो एसीटी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हो 62 एसीडीटी जनरली यहाँ लिख देना जनरली हमेशा नहीं है ये जनरली एक्सेप्शन है ये एसीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, और ये इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आएगा। कंपोनेंट 62 क्वेश्चन आज किए, अगर तुम्हें निकालना जानते हो तो हम निकाल दे रहे, नहीं तो 62 देख लो, एक बार यहां देख लो। HOCl इसका निकालना है तो +1 + O -1, ठीक है ना, तो +1 - 1 क्या हो गया, 0। H, अरे छोड़ो इधर सीधे, या ACT अपने हिसाब बता दे रहे हैं, ये तो कहाँ पढ़ लोगे, इनऑर्गेनिक में। ACT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे अधिक हो जाएगा HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HOCl, फिर 4 ऑक्सीजन 3 2 और 1, दो चीज़ें बता दी, या तो ऑक्सीजन नंबर की सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन नंबर निकाल के देख लो, या हमें ACT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये भी क्या है, जनरली, ठीक है। तो बेटा 62 तक क्वेश्चन कर लिए, आगे के अभी ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के तो मत करना अभी, इसको हम खुद एक ही साथ कर देंगे। फिर इधर इंटरमीडिएट 88 के आगे करना शुरू करना, 88 के आगे जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करना, फिर जैसे ऐसे होगा अपने बताते जाएंगे। अब बात सुनो क्या करना, अब बात सुनो, वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना है, हमने यहाँ एक स्लॉट में 62, एक हो सकता है एक और बना दें, और नहीं तो आपके आगे सब कॉपी में सब यहाँ वीडियो में सब क्वेश्चन कराए गए, लगभग कॉन्सेप्ट सबके आपको बता दिए गए हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं करना है, किसके करना है, 88 से आगे इंटरमीडिएट वाले जो क्वेश्चन है ना वो करना, कल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा देंगे अपने, तो आगे करना, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से, एक एक क्वेश्चन की बात करी गई है आराम से, एक एक क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन के बारे में अपने बोला है कि ये क्लास में है तो उसको वीडियो पे चले जाना, अपना आराम से देख लेना, ठीक है। इसको पहले देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, ACT डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगर जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर तो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, ये इनऑर्गेनिक में आपको बताया जाएगा, नहीं तो जनरली ACT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये उसमें ऑप्शन होगा, हो गया HClO4 HClO3 HClO2 HOCl, ठीक है बेटा। तो अपने ने वादा किया था इसलिए एक बार फ्लो बनाया आपको, लेकिन आपको खुद भी करना, हमने एक एक क्वेश्चन लिखा है, ऐसा नहीं कोई छोड़ा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा है, आप भी आगे ट्राई करना, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास आगे आएगी जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब बातें अपने करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।